आज की डेट में दोस्तों आपका कॉमन सेंस ही इंटरनेट पर सबसे ज्यादा आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। अगर आप डिफरेंट साइट्स पर जाके लाल नील डाउनलोड बटन पर क्लिक करना बंद कर सकते हो तो आपको पैसे देकर अलग से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी प्रोटेक्शन के लिए विंडोज डिफेंडर एक बेहतरीन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। विंडोज डिफेंडर को आप विंडोज सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हो। विंडोज XP 7 विस्ता या फिर विंडोज 8 में जो विंडोज डिफेंडर था वो उतना अच्छा नहीं था, पर विंडोज 10 एंड विंडोज 11 में जो लेटेस्ट विंडोज के वर्जन है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से विंडोज डिफेंडर काम करता है एंड कुछ केसेस में तो थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से भी वो बेहतर काम करता है। हमेशा ही दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। अब ऐसा क्यों, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। हर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसको वायरस डेफिनेशन कहा जाता है। अब जिस वायरस की डेफिनेशन उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के पास है उन्हीं वायरसेस को वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पहचानता है। अब जिन वायरसेस की डेफिनेशन मौजूद है इनमें से अगर कोई एक वायरस आपके कंप्यूटर में घुसने की कोशिश करेगा तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको इमीडिएटली ब्लॉक करेगा या फिर डिलीट करेगा या फिर जो करना है उसके साथ करेगा। पर अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के पास किसी एक पर्टिकुलर वायरस की डेफिनेशन ना हो और वो वायरस आपके सिस्टम में घुसने की कोशिश करे तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको पहचान ही नहीं पाएगा। तब वो वायरस आपके कंप्यूटर में आके जो नुकसान करना है वो करेगा। जब भी कोई नया वायरस मार्केट में आता है तब एंटीवायरस कंपनीज का कोशिश हमेशा यही रहती है कि उस वायरस की डेफिनेशन जितना जल्दी हो सके अपने एंटीवायरस प्रोग्राम में उसको डाल दिया जाए, पर इसमें कुछ टाइम तो लग ही जाता है और इस बीच जो नुकसान वो वायरस पहुंचा सकता था वो पहुंचा देता है यूज़र्स को। तो इसीलिए हमेशा यही सलाह दी जाती है कि हमेशा ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को अप टू डेट रखो। तो ऐसे नए वायरसेस से अगर आपको बचना है तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप ऐरे गैरे साइट्स पर विजिट मत करो, लाल नील जो डाउनलोड बटन्स होते हैं उन पर क्लिक मत करो, साथ ही साथ जो एट्रैक्टिव एड्स होते हैं, मुझे लगता है आप समझ पा रहे हो, उन पर क्लिक मत करो। डाउनलोडिंग साइट्स की जब बात हो ही रही है तब मैं आपको बता दूं, डाउनलोड्स तो करना ही है, तो अगर डाउनलोड करना है तो आप जो लाल नील डाउनलोड बटन्स होते हैं ना उन पर कभी भी क्लिक मत करो। जनरली जो एक्चुअल डाउनलोड बटन होती है वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, डाउनलोड करके लिखा हुआ रहता है, या फिर एक छोटा सा बटन होता है जिसको आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। पर जो बड़े बड़े एट्रैक्टिव डाउनलोड बटन्स होते हैं वो जनरली फेक होता है, वो एड्स होते हैं। तो अगर आप ऐसे चीज़ों से बच के रह सकते हो और पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो तो आपके कंप्यूटर में वायरस आने का खतरा काफ़ी कम हो जाती है। बात रही विंडोज सिक्योरिटी की, तो विंडोज सिक्योरिटी को हमेशा ही लेटेस्ट वायरस डेफिनेशंस मिलते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली इसको अपडेट किया जाता है अगर आपके सिस्टम में विंडोज अपडेट ऑन है तो। अगर विंडोज अपडेट ऑन नहीं है तो उसको आप ऑन रखो तो बेहतरीन सिक्योरिटी आपको मिलेगा। अदरवाइज आप यहाँ से जाकर भी इसको मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हो, पर मैं इसको ऑटोमेटिक रखने का ही रेकमेंड करूँगा। विंडोज डिफेंडर या फिर विंडोज सिक्योरिटी, जो भी आप इसको कहना चाहो कह सकते हो, ये विंडोज़ की बिल्ट इन प्रोग्राम है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम विंडोज़ में आके मिसबिहेव करता है तो इमीडिएटली उसको विंडोज सिक्योरिटी ब्लॉक करेगा, क्योंकि विंडोज सिक्योरिटी को पता है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को विंडोज में आके किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। अगर वो सिक्योरिटी में जाके छेड़छाड़ कर रहा है या फिर फाइल्स को मॉडिफाई कर रहा है, सिस्टम फाइल्स में छेड़छाड़ कर रहा है, तब विंडोज सिक्योरिटी उसको इंस्टेंटली ब्लॉक करेगा। हाँ, जो थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से ये भी कुछ ऐसा ही करता है, पर विंडोज सिक्योरिटी इससे फास्ट काम करेगा, क्योंकि विंडोज सिक्योरिटी विंडोज का बिल्ट इन प्रोग्राम है और वो काफ़ी बेहतर है आज की डेट में। साथ ही आप ये बात भी ध्यान रखना, सारे के सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स जो आपके कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करते हो कुछ ना कुछ रिसोर्सेस खाता रहता है जिससे आपका कंप्यूटर स्लो हो जाती है। थोड़ा सा रैम, थोड़ा सा सीपीयू, कुछ ना कुछ वो खाता रहता है, बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेसेस को रन करता रहता है, स्कैन करता रहता है, तो इस वजह से सिस्टम रिसोर्सेस वेस्ट होती हैं। तो अगर आपका कंप्यूटर पुराना है, लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, अगर थोड़ा सा पुराना है या फिर अंडर पावर्ड मशीन है, तो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके देखो, आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। पर विंडोज सिक्योरिटी के साथ इतना लफड़ा नहीं है, ये विंडोज़ की बिल्ट इन प्रोग्राम है, ये हमेशा ही रहेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल भी कर लोगे तब भी विंडोज सिक्योरिटी इंस्टॉल्ड रहेगा। तो दो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का तो कोई मतलब नहीं है, जो इनबिल्ट है अगर वो बेहतर है तो एक और को आप क्यों इंस्टॉल करोगे। और जो थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स है ये CPU एंड RAM रिसोर्सेज के बदले एग्जैक्टली में कितना प्रोटेक्शन ऑफर करता है ये सच में
सोचने की बात है। कॉमन सेंस की जब बात हो रही है, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत बार आप देखते हो कि ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप में आती है कि आपने लॉटरी जीत लिया है, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, और आपको पता है कि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर भी आप जीत गए हो। तो ऐसे जो पॉपअप्स आते हैं, इनको ऑलवेज अवॉइड करो, इनमें कभी भी क्लिक मत करो। कोई अननोन लिंक अगर आई है ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पे या फिर किसी चैट में, किसी भी तरीके का चैट हो सकता है, तो उसको ओपन मत करो, इससे आपको नुकसान ही होगा। उस लिंक पर कभी भी क्लिक मत करो। एक समय था जब वायरसेस को मजे के लिए क्रिएट किया जाता था, उससे वायरस क्रिएटर्स को ज़्यादा फायदा नहीं होता था, या फिर कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कुछ और रीजंस हो सकते हैं, कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, पर जनरली जो वायरस क्रिएटर्स थे उनको ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता था। जैसे कि कॉपी वायरस हो गया, आपको शायद याद होगा बहुत पहले था, एक फाइल का मल्टीपल कॉपी बना देता था वो। शॉर्टकट वायरस हो गया, एक फाइल का शॉर्टकट बना देता था एक पर्टिकुलर साइज में। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के वायरसेस उस जमाने में थे जो कोई नुकसान ज़्यादा कुछ नहीं करता था, पर ऐसे यूजर्स को परेशान करते थे। कुछ वायरसेस इवन फाइल्स को करप्ट कर देता था, तो ऐसे भी चीज़ें थे। पर आज के ज़माने में जितने भी वायरसेस आ रहे हैं, ये सब यूजर्स के डेटा को चोरी करने के लिए बनाया जाता है। आप रैंसमवेयर को एग्जांपल ले लो। रैंसमवेयर से विंडोज डिफेंडर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। जी हाँ, रैंसमवेयर में क्या किया जाता है, आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है, फिर वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर से सारा का सारा डेटा चुरा लेता है और जो डेटा आपके कंप्यूटर में है उसको इनक्रिप्ट कर देता है, और बदले में आपसे फिरौती मांगी जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर डेटा चुराने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है और पैसे कमाने का भी बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेटा की चोरी होती है, तो उन सब में मैं नहीं जा रहा हूँ। पर जो मेरा पॉइंट है कि आपको हमेशा इंटरनेट पर अगर रहना है तो आपको अपना दिमाग लगा के ही काम करना है। किसी भी रैंडम साइट पर घुस के, किसी भी रैंडम लिंक पर क्लिक कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है अगर आप प्रोटेक्टेड रहना चाहते हो तो। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हाँ आपको प्रोटेक्ट करेगा, पर वो 100% एक्यूरेट तरीके से काम नहीं करेगा, चाहे कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो। और विंडोज डिफेंडर आपको फ्री में मिल रहा है, तो मुझे लगता है इसको यूज़ करना बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, अप टू डेट भी हमेशा रहता है, तो अब इसको क्यों यूज़ नहीं करोगे। विंडोज डिफेंडर की जितने भी सेटिंग्स है, जितने भी फीचर्स है, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, उसको जाके आप आई बटन से क्लिक करके देख सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो कोई पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आज की डेट में उतना ज़रूरी नहीं है और क्यों विंडोज डिफेंडर आज एक बेहतरीन एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कोई पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दो, इससे क्या जाए मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।